अगर आप अपनी ऑनलाइन एजेंसी खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ऑनलाइन एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं बिलाल की बातें यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देख के जाना है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ऑनलाइन एजेंसी बनाने के ऊपर कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन एजेंसी बना सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये ऑनलाइन एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मुख्तलिफ किस्म की ऑनलाइन मार्केट्स को एक जगह जोड़ती है, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, यानी कि कॉपी राइटिंग से लेकर प्रोग्रामिंग तक, उस सारी चीजों को आपस में मिला के रखती है। जितनी भी ऑनलाइन इसमें आपको सर्विसेज मिलती है वो इसकी रीढ़ी हड्डी की इसके तरह। दोस्तों, अपना बिजनेस शुरू करना एक मुश्किल मरहला होता है, लेकिन अगर आप एक डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, तो आपके लिए है कि आप अगर एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट चांस होता है कि आप जो है अपनी स्किल्स को देखते हुए अपनी ऑनलाइन एजेंसी खोलें। जिस एजेंसी में आप काम कर रहे हैं आप उसके एक दिन ऑनर बन जाएं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन ये कैसे होगा सारा कुछ, ये आपको पता है कि बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल काम होता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसके लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए होता है, इसके अलावा आपको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बुरे दिन देखने पड़ते हैं और बहुत मुश्किल टाइम से गुजर कर जो है वो आप अपने बिजनेस या कोई एम्पायर खड़े करने की जो है वो तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपको आपके अंदर तीन तरह की स्किल्स हैं, कोई भी शख्स हो जो मालिक बनना चाहे ऑनलाइन एजेंसी का, उसके अंदर तीन तरह की स्किल्स होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली स्किल जो है वो है एडॉप्टेबिलिटी, यानी कि नए नए ट्रेंड जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनको फौरी तौर पर वो अडॉप्ट करे और सही तरीके से अडॉप्ट करे और अडॉप्ट करके उस पर अमल करे, उसको इम्प्लीमेंट करे अपनी एजेंसी के अंदर और उस तरह के तरीके से काम करे और न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करे, तो वो एक कामयाब ऑनलाइन जो है वो एजेंसी चला सकता है। नंबर दूसरी स्किल जो है वो सबसे जरूरी है, वो ये है कि उसको ऑनलाइन लर्निंग जो है उसकी तेज होनी चाहिए, यानी कि वो फास्ट लर्नर होना चाहिए और लर्निंग स्किल उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक डायनामिक फील्ड है और इसके अंदर जो है रोजाना की बुनियाद पर मुख्य किस्म के ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उन ट्रेंड्स को फॉलो करना और उसमें अपनी जो है वो इनपुट करना ये बहुत जरूरी होता है। लिहाजा उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी होनी, जितना ज्यादा वो सीखेगा, जितना ज्यादा वो इम्प्लीमेंट करेगा, इतना ही मार्केट में वो जो है अच्छा नाम बना सकता है। नंबर तीन और सबसे अहम स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन की स्किल। जो है कम्युनिकेशन की स्किल ऐसी स्किल है कि अगर उसकी कम्युनिकेशन ठीक है, दुरुस्त है, मैनेज है, अच्छा कम्युनिकेट वो करता है अपनी टीम के साथ, अपने कंट्रक्टर्स के साथ और अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयज के साथ, अगर वो अच्छा कम्युनिकेट कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो एक कामयाब ऑनलाइन एजेंसी रन कर सकता है। सही जगह पर मुनासिब बात करना और क्लाइंट को ग्रैब करना, उसको रिटेन करना और अपनी एम्प्लाईज पोटेंशियल एम्प्लाई को जानना और क्लाइंट्स को जो है एम्प्लाई को बिल्ट अप करना, ये जो है उसके अंदर का क्वालिटी है कम्युनिकेशन की, तो वो इसके अंदर कामयाब हो सकता है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी आपके लिए वीडियो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एजेंसी अगर आप खोलना चाहते हैं उसके ऊपर। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को। तो इस तरह के मजीद आइडियाज आपने देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, और सब प्रैक्टिकल आइडियाज देता रहता हूँ इंटरव्यूज की बेस पर, तो आप जाकर जो है मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और लाजमी जो ऐसा ही कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।